नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए चार आदिवासी महिलाओं को दंडवत कर करके तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय तक पहुंचना पड़ा, जहां पर उन्हें पुनः तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाकर दल में शामिल कराया गया। महज दो दिन पूर्व ही यह आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी का दामन थामा था और दंडवत कर अपना प्रायश्चित किया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। यह घटना है दक्षिण दिनाजपुर जिले के तपन इलाके की। इस तरह से प्रायश्चित कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की घटना का विरोधी दल के नेताओं ने कड़ी आलोचना की। कोलकाता के ठाकुरपुकुर थाना के सामने हुई सड़क दुर्घटना में थाने की पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। यह घटना शनिवार सुबह की है। बताया जाता है कि बालू से लदे ट्रक बैक करने के समय पुलिस कांस्टेबल की मोटरसाइकिल सामने आ गई और जब तक कि ट्रक चालक कुछ समझ पाता, ट्रक बाइक से जा टकराई थी। इस घटना में सिसिर मंडल नामक कांस्टेबल की मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने फिर हाजिरा होने के लिए दिए निर्देश। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में हाजिर होने की दो नोटिस पाकर भी सुकन्या मंडल हाजिर नहीं हुई थी। तीसरी बार ईडी ने हाजिर होने की भेजी नोटिस। 10 तारीख से लेकर किसी भी दिन सप्ताह के मध्य हाजिर होने को कहा गया। पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी के निकट टोल प्लाजा में डीआरआई ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार से 14 केजी सोना बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य अनुमानित 8 करोड़ से अधिक है। इस सिलसिले में दो व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि मिजोरम के रहने वाले यह दो व्यक्ति बेल्ट में छिपाकर म्यांमार से कोलकाता सोना लेके आ रहे थे। 800 केजी लाल चंदन की लकड़ी समेत पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर के साथ 5 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। यह घटना है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की। बताया जाता है कि वन दफ्तर ने विशेष अभियान चलाकर बेशकीमती इस लाल चंदन की लकड़ी को जब्त किया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख से भी अधिक है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा को केंद्र कर बार बार हुई हिंसा की जानकारी लेने शनिवार को 6 सदस्य वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल पहुंची। इस दिन फैक्ट फाइंडिंग टीम हुगली जिले के रिसरा जाने के क्रम में बीच में ही पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का कहना है कि रिसरा में 144 धारा जारी है और आप वहां नहीं जा सकते। बकाया डीए की मांग पर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी पिछले 72 दिनों से कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठे हुए हैं और अब अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए धर्मतला के धरना मंच से एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुए। डीए बकाया की मांग पर ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर में 48 घंटे यानी सोम और मंगलवार को धरना देंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।